दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाया करती है, पर कामयाबी ही एक ऐसी चीज है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। ठीक इसी तरह दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वह होता है जो धोखा खाकर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। अगर आप दूसरों की मदद करते हैं और लोग आपको धोखा दे रहे हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। दोस्तों, ये जीवन का कड़वा सच है कि आप मौका देते रहेंगे और लोग धोखा देते रहेंगे। किसी ने क्या खूब कहा है, संभल कर चल नादान, ये इंसानों की बस्ती है, ये तो रब को भी आजमा लेते हैं, तेरी क्या हस्ती है। दोस्तों, हम किसी की मदद तब करते हैं जब हमें उस पर विश्वास होता है। विश्वास, इस शब्द में विश भी है और आस भी है। तो अगर कोई आपका विश्वास तोड़ दे और आपको बुरी परिस्थितियों में अकेला छोड़ दे तो उस व्यक्ति के शुक्रगुजार रहिए, क्योंकि उसको यह भरोसा था कि आप मुसीबतों से अकेले निपट सकते हैं। यह इस दुनिया की कड़वी सच्चाई है कि लोग हमारी कदर तब करने लगते हैं जब हम उन्हें इग्नोर करने लगते हैं। जो इंसान आपको रोता हुआ छोड़ दे, यकीन मानिए वह कभी आपका नहीं हो सकता। और जब कोई आपको देख कर भी अनदेखा करे तो यह समझ लेना कि उसकी नजर सिर्फ आप पर है। यह रीत है इस दुनिया की कि खुशी देने वाले भले ही हमेशा अपने नहीं होते, लेकिन दर्द देने वाले अक्सर अपने ही होते हैं। जब बुरा वक्त आता है तो हमें उन लोगों की पहचान होती है, उनके चेहरे से नकाब उतर जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि समय कई जख्म देता है, इसीलिए घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं। जिंदगी गुजर गई सबको खुश करने में, जो खुश हुए वो अपने नहीं थे और जो अपने थे वो कभी खुश नहीं हुए। इसलिए बार बार झुककर लाश बनने से अच्छा है कि उन लोगों को छोड़कर आगे निकल जाओ जिनकी फितरत सिर्फ आपको धोखा देना है, और उनसे एक सवाल करो कि मेरे अकेलेपन का मजाक बनाने वालों, जरा ये तो बताओ कि जिस भीड़ में तुम खड़े हो उसमें तुम्हारा अपना कौन है। दोस्तों, वीडियो के अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि सुंदरता ना हो पर सादगी होनी चाहिए, खुशबू ना हो पर महक होनी चाहिए, रिश्ता ना हो बंदगी होनी चाहिए, मुलाकात ना हो पर बात होनी चाहिए। यूं तो उलझे हैं सभी अपनी उलझनों में, पर सुलझाने की कोशिश तो हमेशा होनी चाहिए। माना कि रिश्ते आजकल रोटी की तरह हो गए हैं, जरा सी आंच तेज क्या हुई जल भुनकर खाक हो जाते हैं। जिसे देखो दूसरे की बुराई तलाश करने में लगा हुआ है, वह यह नहीं समझता कि बुराई तलाश करने वाला इंसान उस मक्खी की तरह है जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है। अगर कोई हमेशा आपकी गलतियां निकालता है तो उससे कहिए कि बहुत गिनाते रहे हो तुम औरों के गुण दोष, कभी अपने अंदर झांक लो उड़ जाएंगे होश। दोस्तों, हमें उन लोगों से सावधान रहने की जरूरत नहीं है जो आपको पसंद नहीं करते, बल्कि उन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है जो आपको पसंद करने का दिखावा करते हैं। अगर आप अपनी तरह किसी को तलाश रहे हैं तो आप जिंदगी भर दुखी रहेंगे। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ, आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। और हमेशा याद रखें कि अपने आप पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने वजन के कारण ही वह डूब जाता है। इंसान सोचता है कि भगवान है या नहीं, लेकिन वह यह कभी नहीं सोचता कि मैं इंसान हूं या नहीं। जीवन में हर जगह हम जीत चाहते हैं, सिर्फ फूल वाले की दुकान ही ऐसी होती है कि जहां हम कहते हैं कि हमें हार चाहिए। दोस्तों, जीवन में अच्छे बुरे लोग आते जाते रहते हैं, अच्छा और बुरा समय भी आता है और गुजर जाता है, पर जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्त लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम एक तजुर्बा देकर जरूर जाती है। तो हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें, किसी भी परिस्थिति या किसी और की वजह से निराश होने की जरूरत नहीं है। आप केवल अपने लक्ष्य की तरफ सकारात्मक सोच के साथ बढ़ते जाइए, आपको मंजिल भी मिलेगी और जीवन में अच्छे लोग भी मिलेंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक नई दिशा। सुनते रहिए मन की आवाज़।